गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप में से काफी सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि सर हर रोज कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। मैं इस वाले वीडियो में इस वाले सवाल का जवाब देना चाहता हूं। बाय द वे, मेरे चश्मा लगा हुआ है, आंखें कमजोर हो गई थी तो ये वाला लुक अब आपको झेलना पड़ेगा, चश्मे वाला। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि नीट के एग्जाम में करीब 300 दिन बचे हुए हैं, अराउंड 300 डेज, मोटा मोटा 10 महीने के आसपास। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में ये वाली चीज बताई हुई है कि टोटल नीट की तैयारी करीब 2700 घंटे की है। कैसे? आपको थ्योरी करनी होती है, उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज, और उसके बाद आप रेगुलरली मॉक टेस्ट लिखेंगे। फेयर इनफ, थ्योरी में मैंने आपको बताया था, वीडियो देखते हुए नोट्स लेना है, या आप क्लासरूम कोचिंग में जा रहे हैं तो क्लासरूम में पढ़ते हुए आप नोट्स ले रहे हैं, आप वहां पे मूवी नहीं देख रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ते हुए नोट्स ले रहे हैं या वीडियो देखते हुए नोट्स ले रहे हैं, और उसके बाद आप एनसीईआरटी का रीडिंग कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज 13+3 16 घंटे इस वाले काम में लग जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 से 150 क्वेश्चन, बायो के अंदर 150 से 200 क्वेश्चन, एक मिनट के लिए मान लेते हैं ऑन दी अपर साइड। आप फिजिक्स केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में 150 क्वेश्चन और बायो के हर एक चैप्टर में 200 क्वेश्चन कर रहे हैं। आपके पास टारगेट बैच है तो ये सारी चीजें आपको पता है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आपको कहां से प्रैक्टिस करना है। इसमें ऑन एन एवरेज 7 घंटे मान लीजिए। मैंने आपको यह भी बताया है कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको यह करना है कि आप आराम से समझते हुए करें, यदि आपसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाए उसका सोल्यूशन देख लें। और फाइनली आपको मॉक टेस्ट लिखने, हर 2 हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लिख सकते हैं, और बाद में एग्जाम के पास आते आते आप सिंगल मॉक टेस्ट पे आ जाते हैं। तो इस वाली चीज को जरा देख लीजिए ध्यान से, इसके बेसिस पे मैं आपको क्विक इस वाले क्वेश्चन का आंसर अब देना चाहता हूं कि हर रोज कितने का एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। फिजिक्स में 28 चैप्टर है, 150 एमसीक्यूज पर चैप्टर, 4200 क्वेश्चन हो गए। केमिस्ट्री में 19 चैप्टर्स है एज ऑफ नाउ, 11 चैप्टर्स उन्होंने नई एनसीईआरटी से हटा दिए हैं। हो सकता है एनटीए दिसंबर में बताए कि ये है तो हम इनको दिसंबर के बाद कर लेंगे, अभी के लिए अज्यूम कर लेते हैं। 19 चैप्टर्स, 150 क्वेश्चन, 2850 हो गए। बायो के अंदर 32 चैप्टर है, 3 चैप्टर 11, 3 चैप्टर 12 के एज ऑफ नाउ नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 200 6400 हो गए। तो टोटल मिला के आपको 13450, यदि आपको एवरेज लेना है 15000 क्वेश्चन के आसपास मान लीजिए। मॉक टेस्ट के अलावा, मॉक टेस्ट के अंदर 25 मॉक टेस्ट, 200 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन वो भी हो जाते हैं, तो आपके डेली एमसीक्यू करीब करीब 50 हो गए, 15000 क्वेश्चन या 13450, 300 दिन। काफी सारे स्टूडेंट जो मेरे से ये बोलते हैं कि सर मैंने इस हफ्ते 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 600 किए, सफिशिएंट है या नहीं है, और करूं या ना करूं? 100% सफिशिएंट है। 50 × 7 यानी 350 क्वेश्चन यदि आप हफ्ते के रेगुलरली बचे हुए 43 वीक्स में कर रहे हैं, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। ज्यादातर बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, शुरू में बड़ा जोश होता है, 16-16 घंटे पढ़ते हैं और धीमे धीमे वो जोश रेडियो एक्टिव डिके हो जाता है, उसका उसकी हाफ लाइफ होती है, खत्म हो जाता है साहब। वैसे नहीं करना है गाइस, आप यदि कंसिस्टेंटली, मैं बोल रहा हूं ये वर्ड समझ लीजिए, कंसिस्टेंटली, यू अंडरस्टैंड दिस, हर रोज अपने आप को थकाना नहीं है पर अपने आप को एक पर्टिकुलर लेवल, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस पे रखना है तो आप अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। तो हमारा जो प्रैक्टिस ग्राम चल रहा है, जहां पे आप प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस करते हैं, स्क्रीनशॉट अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं और उसके बाद आप उसे शेयर कर देते हैं, हमारे इंस्टाग्राम चैनल को टैग कर देते हैं, वहां पे यदि आप 350 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, यू आर डूइंग ओके। मैं वापस बोल रहा हूं, यदि आप 350 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हफ्ते में, यू आर डूइंग ओके। मैंने आपके इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, हमने इंस्टाग्राम के अपने चैनल पे इस बार के प्रैक्टिस ग्राम के टॉपर्स का भी लिस्ट डाल दिया है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, और कोई सवाल हो क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेके वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और मेरी ये चश्मे वाली लुक कैसी लग रही है ये भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है बच्चों।